हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम सर्कल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो मैंने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया और ये पी क्या हुआ है, ये डायमीटर ले लिया इसका। ये कह रहा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट हो वो पैरेलल हो। तो ये ए बी और सी डी हमने टेंजेंट ले ली। क्या प्रूव करना है भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी। जब भी आप यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी करो तो क्लियर है कि इनके अंदर आप लोग थ्योरम में गिवन टू प्रूव इनका यूज़ करें, जो सब्जेक्टिव में मार्किंग में हमें बेनिफिट मिलता है। अगर सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक भी है, गिवन टू प्रूव भी लिखा हुआ है, तो उसके भी स्टेप टू स्टेप जो मार्क्स है उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, फेयर नोटबुक बनाते वक्त आप लोग भी उसमें गिवन टू प्रूव प्रूफ ऐसे इनको सॉल्व करें। तो गिवन में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ये गिवन है भाई आपके पास, पी क्या हुआ है वो डायमीटर है, ए बी और सी डी है वो हमारे पास टेंजेंट्स है। और यहाँ पे टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है भाई हमें, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या प्रूव करना है बेटे, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे प्रूफ, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास यहाँ पे इसका प्रूफ है भाई। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर लिखोगे ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट, देन ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या हो गया बेटे हमारे पास, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, मैंने इसको एंगल वन डाल दिया, तो आप कह सकते हैं यहाँ से एंगल वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख दोगे सिमिलरली, क्या भाई हमारे पास इसके अंदर ओ क्या हुआ है वो रेडियस है और सी डी है वो हमारे पास टेंजेंट है। ओ क्या हुआ है वो रेडियस है और सी डी है वो क्या है, टेंजेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से मैंने इधर इसको एंगल टू डाल दिया, तो आप यहाँ कह सकते हो एंगल टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन है सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि एंगल वन है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल टू है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप कह सकते हो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल ए टू। एंगल वन और टू है वो हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए भाई। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, बट एंगल वन एंड एंगल टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन ए बी पैरेलल सी डी। देखिए नाइन्थ क्लास में, इन क्लासेज एट्थ और नाइन्थ में आप लोग अच्छे से रीड करके आ रहे हो कि टू लाइन पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइनें कैसी है, पैरेलल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th है वो क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे आप ध्यान दीजिए। 5th ये कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो यहाँ 5th में ये कह रहा है आपके पास है, क्या बेटे, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। ये मैंने टेंजेंट ले ली, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ले लिया, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर ये कह रहा है कि कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है भाई। कैसी है वो,
परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैंने इसको ए डाल दिया कॉन्टैक्ट पॉइंट को, और भाई यहाँ पे इसको रख दिया क्या, ओ डैश रख दिया। ओ है वो सेंटर ले लिया, इस पॉइंट को ओ डैश रख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, यहाँ से ये कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू दी सेंटर, कि ये जो आपके पास ओ डैश ए है ना, ये कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ गीवन में क्या गीवन है भाई, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, नेक्स्ट पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, पी क्यू है वो क्या है, टेंजेंट है भाई, साथ में लिखना चाहो तो एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे। नेक्स्ट गिवन क्या है, ये ध्यान रखना है, ओ डैश ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये गिवन में है भाई, ओ डैश ए है वो पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन लिख दो या ओ ए को ज्वाइन कर दो, आप किसको ज्वाइन कर दिया भाई, मैंने यहाँ पे ओ ए को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपके पास टू प्रूव, टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, ओ डैश ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ओ डैश ए है वो कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे इट इज़ गिवन दैट ओ डैश ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, अगर ओ डैश ए पी क्यू पे परपेंडिकुलर है तो क्या लिख सकते हो, यहाँ एंगल ओ डैश ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बोलिए बेटा क्लियर है यानी, क्योंकि ओ डैश ए है वो तो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो ओ डैश ए क्यू है वो क्या बन गया, 90 डिग्री का हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज टेंजेंट, देन ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यहाँ से क्या आ गया भाई, ओ ए भी परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, तो आप क्या लिख सकते हो, देन एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट में ओ डैश ए क्यू भी 90 है, सेकेंड में ओ ए क्यू भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख दोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसके अंदर है? कि हमारा एंगल ओ डैश ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू आ गया। अब ओ डैश ए क्यू और ओ ए क्यू अगर एंगल सेम है तो क्लियर है अपने पास क्या होगा भाई इसके अकॉर्डिंग, देन ओ ए एंड ओ डैश ए आर कौन साइड, कैसी लाइन है भाई ये, कौन साइड है, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस ओ डैश ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, कहाँ से पास होगा भाई, सेंटर ऑफ ए सर्कल से पास हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका था बेटे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से एक ए पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है भाई, 5 सेंटीमीटर पे है, और टेंजेंट है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो ये ए पॉइंट है, ये ओ है, इसको मैंने बी रख दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ बी फाइंड करना है, इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता भाई। तो सबसे पहले जो भी गिवन है अपना, गिवन के स्टेप फॉलो कर लोगे आप, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, टू प्रूव कर दो या टू फाइंड लिख दो आप, यहाँ पे फाइंड करवा रहा है क्या भाई, रेडियस ऑफ सर्कल या ओ बी ऑफ ए सर्कल, ओ बी फाइंड करना हमें। तो प्रूफ के अंदर जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आप सबसे पहले तो ये लिखोगे
OB इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट। OB है वो रेडियस है और AB है वो टेंजेंट है, तो देन क्या होगा, OB परपेंडिकुलर टू AB हो गया। OB परपेंडिकुलर टू AB हो गया तो क्या कह सकते हो, एंगल OBA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये OBA हो गया, OBA 90 हो गया, तो आपकी OBA ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो आप लिख दो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBA बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, हमें तो OB फाइंड करना है, तो OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो OA OA कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस AB 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बन गया। तो यहाँ से अपने पास अंडर रूट 25 माइनस 16 है तो रूट 9 आ गया, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑल सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। वो सभी सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं जिनका सेंटर हमारे पास सेम हो और रेडियस है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये आपके पास यहाँ पे है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये आपके पास सेंटर हो गया है। तो यहाँ स्मॉल और लार्ज जो भी सर्कल है इनका जो सेंटर है वो क्या है, OE है हमारे पास। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस है वो लार्ज सर्कल की 5 सेंटीमीटर है और स्मॉल की क्या है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहा है आपको उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब लार्ज सर्कल के लिए तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ए बी है वो एक कॉर्ड है, लार्ज सर्कल के लिए तो ए बी है वो यहाँ पर क्या है, कॉर्ड है, और स्मॉल सर्कल को ये यहाँ पे सी पॉइंट पे टच कर रही है, तो अपने पास स्मॉल सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ से क्या करो आप लोग, ओ ए को ज्वाइन कर दो और इधर ओ सी को ज्वाइन कर दो, ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ सी को ज्वाइन कर दो, और ओ सी है वो ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों है पता है अच्छे से आपको, कि स्मॉल सर्कल के लिए ओ सी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है भैया? तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, आप यहाँ से क्या फाइंड कर दो, ए सी फाइंड कर दो भाई। ए सी का ही डबल ये बनेगा, अगर आप ओ बी को ज्वाइन करोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ है, ओ बी है वो भी तो 5 सेंटीमीटर है भाई। तो यहाँ से आप लोग, मैं इसका जो प्रूफ है वो लिख रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ है वो आप खुद लिख लेंगे, और प्रूफ के अंदर आप लोग यहाँ पे लिखोगे इन, या पहले शो करना चाहो तो कर दो, इन स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल में हमारे पास ओ सी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट, देन ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी है वो परपेंडिकुलर है किस पे भाई, ए बी पे। अगर ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या भाई, एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल्ड ट्रेंगल ए सी ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हम लोग AC फाइंड कर देंगे, जो कि बनेगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस में 9 जो कि अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ गया। AC है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, ये हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस तो सेम वही BC बनना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग यहाँ से अगर इन ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हो, क्या प्रूव करते हो, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हो तो यहाँ से AC और BC इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से अच्छा तो यही है कि सिमिलरली करके BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें जो लेंथ बतानी है वो किसकी बतानी है, AB की। अब AB क्या है हमारे पास, AC प्लस BC।
अब ए सी भी 4 है, बी सी भी 4 है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। डायग्राम गिवन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 का। ये कह रहा है कि ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना रखे। ए बी सी डी ये है वही सी पॉइंट, और उसके अलावा अपने पास कह रहा है जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ पे है पी क्यू आर और एस। तो आपके पास तो सर्कल गिवन है और ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद टू प्रूव में हमसे प्रूव करवा रहा है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस में सी डी अपोजिट साइड है भाई, ए डी प्लस में बी सी, ये हमें यहाँ पे इक्वल कर प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ के अंदर ध्यान दीजिए, और प्रूफ के लिए हमने कल यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे थे, कल जो थ्योरम थी उसके लिए मैंने आपको बताया भी था, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ए इक्वल, इसी एक थ्योरम का यहाँ पे हमारे पास ही यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले कहीं से भी उठा लो, ए पॉइंट से ले लो चाहिए आप, क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, देन ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, क्या हो जाएगा भाई, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। इसके लिए रीजन लिख दोगे क्या भाई, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। इस एक में रीजन लिखने के बाद आप नेक्स्ट लिखोगे सिमिलरली, और सिमिलरली में देखिए यहाँ से बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो बेटा सी क्यू और सी आर इक्वल है, डी आर और डी एस इक्वल है, लेकिन आप लोगों को तो सोच समझ के रिजल्ट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए पी प्लस बी पी अगर मैं कर दूंगा तो ए बी बन जाएगा, तो ऐसे ही लेफ्ट में आपको सी डी चाहिए भाई, अपने क्वेश्चन में जो प्रूव करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सी डी। तो सी डी चाहिए, तो सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर है, लेकिन उसको कैसे एडजस्ट करके लिखना है, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, और ऐसे ही नेक्स्ट क्या लिखना है, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर की फोर इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में राइट है वो राइट में, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये तो बन गया भाई लेफ्ट में, और राइट में क्या बना अपने पास, ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस आ गया, सी क्यू आ गया, डी एस आ गया, तो प्लस में क्या रह गया, बी क्यू रह गया भाई, ये लिख दिया। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है जो डायग्राम है वो कह रहा है ए पी प्लस बी पी है वो तो हमारे पास इक्वल है किसके भाई, ए बी के। ऐसे ही सी आर प्लस डी आर चेक कर पा रहे हैं तो किसके इक्वल है, सी डी के। अब बी सी और ए डी का रोल रह गया, पहले हमारे पास ए एस है भाई, तो ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस को अगर आप ऐड कर दो तो इसको आप लोग ए डी कह सकते हो, और सी क्यू प्लस बी क्यू को ऐड कर दो तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो, बी सी कह सकते हो।
तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस में बी सी। केवल और केवल एक ही सिंगल रिजल्ट यूज हो रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर ए इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो क्या होती है, इक्वल होते है। बस ध्यान ये रखना है कि प्रूव क्या करवा रहा है। तो इसके लिए ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन्स एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में।